बिनोमो में आपका स्वागत है। वित्तीय बाजारों में ट्रेड करें और अनुभव प्राप्त करें। $1,000 का मुफ्त डेमो खाता अभी आजमाएं। नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल पांडे। ये सवाल आज भी रहस्य है कि आखिर ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई, लेकिन अब शोधकर्ताओं की एक टीम को शुरुआती गैलेक्सी की तस्वीरों से ब्रह्मांड के आगाज के बारे में बहुत अहम जानकारी मिली है। इन तस्वीरों से पता चला है कि ब्रह्मांड के शुरुआती तारे और संरचनाएं कैसे बनी और इसके बाद गैलेक्सी के बनने की शुरुआत कैसे हुई। इस अध्ययन के पहले नतीजे हाल ही में मंथली नोटिस ऑफ द रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी में प्रकाशित हुई है। खगोलवेद दशकों से पता लगाने का प्रयास कर रहे थे कि शुरुआती गैलेक्सी कैसे और कब बनी थी। नॉटिंघम यूनिवर्सिटी और सेंट्रो डिस्ट्रोबायोलॉजिकल के राष्ट्रीय शोधकर्ताओं की टीम ने हबल स्पेस टेलीस्कोप और फ्रंटियर फील्ड्स कहे जाने वाले ग्रैंड टेलीस्कोपियो कैनेरियास के आंकड़ों का उपयोग किया और पास के ब्रह्मांड की कुछ सबसे छोटी और धुंधली गैलेक्सी चिन्हित करने के बाद अध्ययन किया है। इससे शोधकर्ताओं का एक संभावित अस्थिर गैलेक्सी के निर्माण की जानकारी मिली है। ऐसा भी माना जाता है कि ब्रह्मांड प्रचंड और अनियमित था, जिसमें बहुत तीव्र लेकिन कम समय वाले तारों के निर्माण के प्रस्फोट थे, जो विलय और अधिक गैस संचयन के कारण शुरू हुए। स्पेन के सेंट्रो डी एस्ट्रोबायोलॉजिया से जुड़े इस अध्ययन के सहलेखक और इस अध्ययन के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग के प्रमुख अन्वेषणकर्ता पेब्लो जी पेरेज गोंजालेस बताते हैं कि गैलेक्सी का निर्माण की तुलना कार से की जा सकती है। गोंजालेस का कहना है कि पहले प्रकार गैलेक्सी में तारा बनने वाले डीजल इंजन की तरह रही होगी। धीमी लेकिन लगातार नए तारों को जोड़ते रहने वाली इस प्रक्रिया में बहुत तेजी से नहीं होती है, लेकिन धीरे धीरे गैस को तारों में बदलने में लंबा समय लेती है। वहीं दूसरी तरफ ये निर्माण एक झटके वाला भी हो सकता है, जिसमें तारों के प्रस्फोट से विशाल तारों का निर्माण हो सकता है, जो गैलेक्सी में हलचल मचा देते हैं, जिससे गैलेक्सी थोड़ी देर के लिए या हमेशा के लिए रुक जाती है। हर स्थिति में विलय या सुपरमासिव ब्लैक होल के प्रभाव जैसी प्रक्रियाएं अलग अलग होती हैं। इनका कार्बन या ऑक्सीजन के प्रभाव पर प्रभाव भी अलग अलग होता है। खगोलविदों ने सर्वे फॉर हाइजेट रेड एंड डेड सोर्सेस प्रोजेक्ट से GTC से मिले विशालकाय गैलेक्सी समूहों के आंकड़ों का उपयोग किया और पास की गैलेक्सी के ब्रह्मांड की शुरुआत गैलेक्सी के जैसे गैलेक्सी की पड़ताल की है। शोधकर्ताओं ने बताया है कि कुछ गैलेक्सी विशाल समूह में रहती है, जिसमें तारों के रूप में बहुत बड़ा भार होता है और साथ में गैस और डार्क मैटर भी। इनका भार इतना ज्यादा होता है कि वो प्रकाश तक को मोड़ सकती हैं और प्राकृतिक टेलीस्कोप की तरह काम करते हैं, जिन्हें ग्रेविटेशनल लेंस कहा जाता है। इनमें सुदूर गैलेक्सी को अच्छी चमक और अधिक विभेदक के साथ देखा जा सकता है। इस खबर में इतना ही। ज्यादा अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।